सचिन भाई एक बात बोले। बोलो। ठेकेदार साहब की बेटी है, बड़ी अच्छी लगती है भाई। अच्छी तो मुझे भी लगती है। अच्छी आपको भी लगती है? कभी तो मेरे से नहीं बताए। मुझे क्या पता यार, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या सोचू, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचते हो, मुझे पता ही नहीं था। अब पता है तुम्हें, केवल बताना नहीं चाहते थे हम। आप लोगों को और आपको, उसको, दोनों को देखे थे। अच्छा। दोनों लोग कर रहे थे इशारा ना। तो जैसा मेरा सोच है वैसा तुम्हारा ही है, दोनों लोग पटा लेते हैं ना एक एक को। हाँ, एक एक को पटा लेते हैं। ये क्या है? पानी की टंकी है। इसमें क्या होता है? इसमें से गांव में पानी की सप्लाई होती है जिसे सब लोग पीते हैं। हम लोग इस पे चढ़ सकते हैं? चढ़ने के लिए नहीं बनी है, ये पानी के लिए बनी है। अरे एक बार घूमने के लिए चढ़ सकते हैं। ऊपर जाने की क्या जरूरत है तुमको? ऊपर से देखने में अच्छा लगता है। ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, बात सही है। अगर मान लो किसी कारण बस अगर वहाँ शरीर डगमगा गया, नीचे चले जाओगे तो फिर क्या होगा? नहीं गिरेंगे पिताजी। अब तुम लोगों को कौन समझाए? आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहा है कि अगर वहाँ से गिर गई, कुछ मान लो हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? इधर उधर दौड़ते रहेंगे। एक बार चढ़ जाते हैं ना पिताजी। फिर वही जबरदस्ती वाली बात कर रही हो? चलो पहले घूम लो। जाओ घूमने के लिए आई हो, पहले घूम फिर लो। अरे पिताजी आप भी, हम लोग तो पानी की टंकी पे चढ़ना चाहते हैं लेकिन आप चढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। बेटी, पानी की टंकी पे चढ़ना खतरों से खाली नहीं है, इसलिए हम पानी की टंकी पर चढ़ने की तुम्हें सलाह नहीं देंगे। अरे पिताजी, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो सारा गांव बहुत सुंदर दिखेगा। प्लीज पिताजी चढ़ने दीजिए। ठेकेदार साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और क्या समाचार है? ठीक है। टंकी का काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी ये बांस बल्ली लगा हुआ है? हाँ। कब तक खुलेगा? ये एक हफ्ते में खुल जाएगा। अच्छा, और ये जो कह रहे थे बालू वालू काम है तो क्या आया कि नहीं आया? आ रहा है। ईंटा? ईंटा भी आ रहा है। अच्छा, ऊपर का काम चल रहा है? चल रहा है ना। और क्या नाम है, गिट्टी? हाँ सब है, काम चल रहा है, आ रहा है ना, मंगवाए हैं। अच्छा मंगवाए हैं, लेकिन ये मुझको एक हफ्ता के बजाय 10 दिन ले लेना, लेकिन कंप्लीट करवा के देना। ठीक है। इसलिए कि मुझको बार बार फोन आता है। ठीक है, कंप्लीट करवा देंगे। कि कब तक पानी की सप्लाई होगी? बस मान के चलो एक हफ्ते में बन जाएगा और 10 दिन में, 10-12 दिन में पानी की सप्लाई होने लगेगा। हाँ ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पर पूरा काम करवा देना ठीक से। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी रहेगी। अगर मैं दोबारा फिर आऊँ तो मुझको हर हाल में कंप्लीट मिलना चाहिए। ठीक है, दोबारा साहब कंप्लीट पाएंगे। मजदूर तो पैसा मांग रहे हैं ना? अरे तो मजदूर पैसा दे देंगे ना भाई। तो काम वो बोल रहे हैं कि पैसा दिलवा दीजिए, उन लोगों को काम है, काम आगे के बढ़ाएंगे तब। अरे भाई जब पैसा आएगा तब ना देंगे गवर्नमेंट से, पहले काम तो पूरा हो जाए। कब आएगा पैसा? अरे आ जाएगा, मतलब 12-15 दिन में आ जाएगा। और का वो लोग मजदूर है ना, उनको रोज पैसा चाहिए। अब देखिए, कुन मेरे पास तो है नहीं कि मैं दे दूँ। अब जो गवर्नमेंट वहाँ से देगी तब ना मैं दूंगा आप, मतलब उनको। आप बात कर लीजिएगा ना, मजदूर को डेली पैसा चाहिए ना, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था नहीं रहता, रोज कमाना रोज का खाना रहता है ना। अरे वो बात तो सब सही है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनसे कहो ना कि काम कराते रहे। ठीक है, हम काम करवा रहे हैं ना। हाँ, तो जब पैसा आ जाएगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा पैसा की व्यवस्था जल्दी करवा देना उन लोगों को। अरे तुम समझा ना सकते हो थोड़ा से? ठीक है, समझा देंगे। हाँ तो बोल देना कि मिल जाएगा पैसा, परेशान ना हो। हाँ तो तुम मधु बेटी क्या कर रही थी? घूमना है। ठीक है, घूम लेना, लेकिन ठीक ठाक से। और ये टंकी जो है इसके ऊपर चढ़ना नहीं, उसी पे तो चढ़ना है। अरे पागल, वहाँ ऊपर चढ़ के कहीं मतलब गिर जाओ या कोई बात हो जाते फिर? नहीं गिरेंगे पिताजी, सच में। अरे बेटी वहाँ मत चढ़ना, हम लोग हैं ना, नहीं चलने देंगे। अरे तुमको मेरे साथ मीटिंग में चलना होगा। अच्छा, यहाँ इन लोगों को टहलाएगा कौन? अरे वो सब छोड़िए ना, ये लोग घूम लेंगे, लेकिन ये कि घूम लेना परंतु टंकी पर मत चढ़ना, ठीक है ना? ठीक है।
हाँ ठीक है ठेकेदार साहब, मैं अकेले चलता हूँ तुम्हारे साथ मीटिंग में और ये इनको घुमा देगा। नहीं दोनों लोग मेरे साथ चलो, दोनों लोग चलना होगा। हाँ ठेकेदार साहब यहाँ मजदूर हैं थोड़ा बस हैं। अरे तो मीटिंग के बाद अभी का ज्यादा रामदी ज्यादा 2 घंटा, इसके बाद आके फिर देख लेना। ठीक है चलिए चलो। सुन रहे हो ना, और तुमको भी समझा रहा हूँ, चलो सुधा और मधु दोनों को समझा रहा हूँ। हाँ गलती मत करना, हर जगह घूम लेना, देख लेना, देख करके सीधे घर से ले आना, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। हाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझको। ठीक है ठीक है चलिए। सुधा चलो चले। हाँ दीदी चलो। लेकिन टंकी पर तो पिताजी ने चढ़ने के लिए मना किया है। पर दीदी उसी पर तो चढ़ना था हमें, क्या किया जाए? चढ़ते हैं, पिताजी तो है नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं पिताजी ने मना किया है, मैं नहीं चढ़ूंगी। पर दीदी ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन पिताजी की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर कहाँ घूमे हम लोग? चलो ऐसे ही कहीं चलते हैं, अब जहाँ मन था वहाँ वो मना कर दिए, क्या करें। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। हाँ चलो, वहाँ पे जाना ठीक होगा ना? हाँ पिताजी ने टंकी पे चढ़ने के लिए मना किया है, पेड़ के पास जाने के लिए नहीं। तो चले अकेले। चलो ठीक है चलो। पेट में दर्द है बहुत, पेट में दर्द है। हाँ ठेकेदार साहब, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये गर्मी पड़ रही है और उल्टा सीधा खाओगे, क्या ये चाट आ ये समोसा आ ये खाओगे तो कहाँ पेट में दर्द क्या करेंगे? क्या करें, भूख लगी थी खा लिए थे तिलहाची, इसीलिए हमें गैस बना लिया, दर्द कर रहा है ठेकेदार साहब। अरे यार थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। अब नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है ठेकेदार साहब, उसको बहुत दर्द कर रहा है, आप कैसे इंसान है? अरे बेवकूफ, दर्द कर रहा है तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा सहन शक्ति रखे ना आदमी। कितना सहन शक्ति रखेगा वो, कितना सहन इंसान है ना वो। अरे इंसान मैं भी देख रहा हूँ, इंसान है नहीं कहीं जानवर है क्या? की हालत एकदम खराब होती चली जा रही है। हालत खराब होती जा रही है। अरे बेवकूफो, जब गर्मी पड़ रही है तो तुमको समझना चाहिए तेल मसाला वाली चीज नहीं खानी चाहिए। गलती हो गई ठेकेदार साहब, क्या करें अब, मुझे दवा दिला दीजिए जल्द से जल्द। चलिए पहले मैं मीटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद आके दवा कराता हूँ। नहीं ठेकेदार साहब, इसको इलाज जरूरी है, नहीं तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे मेरा वहाँ आप चले जाए, इनको मेरे साथ भेज दीजिए। अरे बेवकूफ, चल के पहले मेरी मीटिंग अटेंड करेंगे, वहाँ हो के आता हूँ। ठेकेदार साहब आप मीटिंग करने अकेले चले जाइए, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी अभी और ज्यादा। अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो फिर आप फंस जाओगे ठेकेदार साहब, इसको मेरे साथ भेज दीजिए। अरे तो क्या तुम मार थोड़ी चला जाएगी इतनी जल्दी? जिंदगी कोई भरोसा नहीं है ठेकेदार साहब। भरोसा नहीं है जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा। अरे मूर्खो तुम लोग, एकदम से मैंने एकदम कमजोर हो एकदम से। वो कहते ना पत्थर के 10,000 क्या होता है। जल्दी मुझे ले चलिए डॉक्टर के पास। ठेकेदार साहब ऐसा करिए, आप अकेले चले जाइए ना, इसको हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। अरे वहाँ से कुछ सामान लेके आना भाई। अरे तो फिर हम लोग चले आएंगे ना, नहीं तो किसी को वहीं पकड़ लेना। पकड़ क्या लेंगे अभी, तुम लोग ऐसा मतलब समय पर बताइए वहाँ जाना है और तुम लोग यहाँ कह रहे हो चल को दवा कराओ ही कराओ वो कराओ। अब क्या करें, जब उसकी हालत बीच रास्ते में खराब होगी क्या करें हम, बताइए आप। ऐसा कर, उसको ले जाके दवा करा। ठीक हाँ मैं चला जाता हूँ अकेले। ठीक हाँ ठीक चलिए। ठीक
क्या हुआ भाई, ठीक हो गए क्या? हाँ ठीक हो गए। ठेकेदार साहब को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना था। उनके जो दो यूट्यूबर है ना, उनको लाइन दे चलना है, देखें क्या कर रही हैं वो लोग। इसके लिए हम थोड़ा सा वो किए थे एक्टिंग। अच्छा तो अब मौका ढूंढ रहे थे, अब मौका हमने निकाल लिया। अब जो है चलो पटाते हैं, लाइन देते हैं, अगर पड़ जाती है तो काम आ जाएगा, मजा लेंगे। और ठेकेदार साहब चले गए मीटिंग में और हम दोनों मजा करेंगे बढ़िया। उनको यार भाई ना गजब चूतिया बनाया यार। हाँ तो चले फुल मजा लिया, एक्टिंग बढ़िया किए थे ना, हमारी वाली एक नंबर। तो चलें चलें। अरे यार ये तो पूरा खाली खाली है, कहाँ गई हो लोग? मुझे भी यार कहीं देख नहीं रही हैं, कहाँ गई पता नहीं यार। चलो ढूंढते हैं कहीं पर, ढूंढते हैं पूरा यार कहाँ गई होंगी। चलो घर देखो, घर तो कहीं छुपी नहीं है। कहाँ गई यार भाई? मुझे क्या पता यार, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, कहाँ से गई पता नहीं है। अरे ओ ठेकेदार साहब से कह रही थी ना क्या कि बाग में जाने के लिए? बाग में कहाँ बोली थी, टंकी पे जाने के लिए बोली थी। अच्छा चढ़ने की बात कर रही थी ना। अच्छा। टंकी पे चढ़ने की बात, कहीं टंकी पे। चलो देखते हैं। चले चलो। हाँ चलो।